प्रदेश के लखनऊ में लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री और सांसद रहे शंखलाल मांझी की पत्नी अंजनी देवी के साथ एक अपराधी ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने बदमाश की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अंजनी देवी मंदिर में पूजा करने गई थी, इसी दौरान बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाश ने मंदिर में हाथ जोड़े, वहीं अंजनी देवी भी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने आई थी। इस बीच बदमाश ने अंजनी के गले पर चाकू रख दिया और पहने हुए आभूषण को मांगने लगा। इसके बाद भयभीत होकर अंजनी ने सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी, मंगलसूत्र, कान के टॉप्स, ये सब निकाल कर बदमाश को दे दिए। जिस मंदिर में बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है वो गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में है। वहीं पुलिस अज्ञात बदमाश का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक मंदिर और आसपास के घरों में कैमरा नहीं लगा है। करीब 50 मीटर दूर एक मकान में लगे कैमरे खंगाले गए तो बदमाश पैदल भागते हुए दिखाई दिया। उसकी उम्र 35 से 40 वर्ष के आसपास लग रही है। बदमाश रास्तों से वाकिफ था। पुलिस को आशंका है कि बदमाश इलाके का ही रहने वाला है। दिन दहाड़े पूर्व मंत्री की पत्नी से लूटपाट की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गश्त न करने का आरोप लगाया है। अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक गोमती नगर विस्तार सुनील यादव का कहना है कि बेटे अंकुर की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली गई है। फुटेज की मदद से बदमाश की तलाश की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस और क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि शंखलाल मांझी के घर के ठीक सामने एक पार्क है, यहीं पर मंदिर है। यहाँ पर शंखलाल मांझी के घर वाले अक्सर भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए आते रहते हैं। पुलिस को आशंका है कि वारदात से पहले बदमाश ने कायदे से रेकी की थी। उसे पता था कि दोपहर के टाइम मंदिर में पुजारी नहीं रहता है। माना जा रहा है कि बदमाश ने कई दिनों तक रेकी की और गुरुवार को सन्नाटा देख वहीं कहीं छिप गया। इसके बाद अंजनी जैसे ही मंदिर में दाखिल हुई तो वो उसके पीछे पहुंच गया। मंदिर में कोई बदमाश इस तरीके से घटना को अंजाम देगा इसके बारे में किसी को भी अंदेशा नहीं था। अंजनी देवी ने आरोपी बदमाश को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।